गुड इवनिंग स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर थ्री स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉरी हम लोग चैप्टर टू स्टार्ट करने जा रहे हैं नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम फर्स्ट फ्लाइट टेक्सट बुक में से नेल्सन मंडेला कौन थे इसके बारे में मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको और फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर ठीक है हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है एग्जैक्टली पेज नंबर सेवेंटीन से लेकिन उसके पहले आपको क्या जानने की ज़रूरत है तो नेल्सन <coughs> मंडेला जो है वो कौन थे वो नेल्सन uh, मंडेला एक प्रेसिडेंट uh, थे uh, साउथ अफ्रीका जो कंट्री है उसके लेकिन वो एक इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल फिगर क्यों माना जाता है नेल्सन मंडेला के बर्थ से पहले जैसे ब्रिटिशर्सों ने इंडिया पर राज किया वैसे ही ब्रिटिशर्सों ने साउथ अफ्रीका पर भी राज किया था और फिर क्या था कि वहाँ पर जो ब्रिटिशर्स सेटल हुए वो लोग साउथ अफ्रीकन के लोग हो गए साउथ अफ्रीका के लोग एक्चुअली काले लोग थे ब्लैक थे और जो ब्रिटिशर्स थे वो वाइट थे तो वो वाइट्स वहाँ पर उन्हें उन पर इनजस्टिस करते थे उन उन्हें स्लेव्स की तरह यानी नौकरों की तरह रखते थे उन पर उन्हें काम करवाते थे, थे फील्ड्स में लेकिन उन्हें उन पर काफ़ी इनजस्टिस होता था जिसके वजह से क्या होता था कि पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन और वो सब पार्ट है वो सब गोरों के हाथ में रहता था और ये जो काले जो ब्लैक लोग हैं उनके साथ एकदम बहुत ही यानी बहुत ही इनजस्टिस के साथ उनके साथ सलूक किया जाता था उनको कई राइट्स और फ्रीडम्स भी नहीं दिए जाते थे तो कई ब्लैक लीडर्स ने फ़ाइट किया था ब्रिटिशर्स के साथ जैसे हमारे यहाँ पर जो फ्रीडम फाइटर्स थे वैसे वहाँ पर भी फ्रीडम फाइटर्स उन्होंने फ़ाइट किया था और उन्होंने डिसाइड किया था कि यो सब जो गलत लॉज है और जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ जो डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव हो रहा है वो डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म होना चाहिए वो ख़त्म हुआ था तब उन, उनके लीडर नेल्सन मंडेला थे और फिर उन्हें प्रेसिडेंट बना दिया गया था ये जो चैप्टर है ये नेल्सन मंडेला को जब प्रेसिडेंट घोषित किया गया मतलब जनरली क्या होता है कि कोई जब इलेक्शन में जब कोई जीतता है प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर तो एक शपथ लेता है मतलब वो एक प्लेज लेता है तो वो प्लेज लेना वो शपथ लेना एक सेरेमनी होती है एक विधि होती है तो जो उसको हम शपथ विधि या सेरेमनी कहते हैं तो वो सेरेमनी का जो दिन है उसमें क्या हुआ था वो इस चैप्टर में बताया गया ठीक बता है अगर आपने पेज नंबर सेवेंटीन निकाल दिया है तो हम स्टार्ट करते हैं टेंथ में डॉन्ट ब्राइट एंड क्लियर फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हेड बिन प्रेजेंटली बी सीज बाई डिग्नेटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु आर कमिंग टू पे दर रिस्पेक्ट्स बिफोर दिन

डेमोक्रेटिक नॉन रिशल गवर्नमेंट यानी उन्होंने कहा कि यूनियन बिल्डिंग में एक एम पी थिएटर है वहाँ पर जो प्रेटोरिया उनका कैपिटल सिटी है वहाँ पर यूनियन बिल्डिंग्स में प्रेटोरिया में एक एमपी थिएटर है एम पी थिएटर मतलब खुला थिएटर जो क्लोज नहीं होता है वहाँ पर इनके शपथ विधि होने वाले थे तो वो कहते थे कि ये जो यूनियन बिल्डिंग्स है वो सब वाइट लोगों ने वहाँ पर कब्जा कर रखा था लेकिन अब यहाँ पर सभी कलर्स के लोग थे वाइट ब्लैक जो हमारे इंडियन जैसे ब्राउन होते हैं वो वो सब लोग वहाँ पर इकट्ठा हुआ है ऑन दैट लवली ऑटम डे आई ऑटमडेट बाई My daughter zainani on the podium mr d clark was first sworn in as a second deputy president then thabo mbeki was sworn in as first deputy president when it was my turn i pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people to the assembled guests and the watching world i said क्या हुआ कि उन्होंने वो ऑटम का टाइम था उनके साथ उनकी छोटी बेटी भी थी और वहाँ पर क्या कि जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर होते हैं वहाँ पर दो पोस्ट है फर्स्ट डेप्यूटी और सेकंड डेप्यूटी डेप्यूटी मतलब एक असिस्टेंट टाइप के तो सेकंड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की शपथविधि हुई फिर फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की शपथ शपथविधि हुई वो दोनों के नाम थे मिस्टर डे क्लार्क और थाबो एमबे की फिर नेल्सन मंडेला का जब टर्न आया तब उन्होंने शपथ शपथविधि लेते वक्त जो स्पीच दी थी वो स्पीच क्या थी <coughs> वो यहाँ पर लिखे हुए है देखो हम पढ़ते हैं टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्सट्रॉर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉन अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड वो कहता है कि आज के दिन हम हम एक जीत की घोषित करते हैं हमारे एक नए फ्रीडम के जीत की पुराने एक जो लॉस थे वो एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर था ह्यूमैनिटी के लिए जिसके जो डिजास्टर अगर खत्म हुआ है तो आज के बाद एक एग्जांपल होना चाहिए कि कैसे सोसाइटी को सबको फ्रीडम और सबको इक्वल राइट्स देने चाहिए वी हु आर आउटलॉज नॉट फॉर सो लॉन्ग हैव टू बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू होस्ट द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओर सॉयल वी थैंक ऑल ऑफ आर डिस्टिंग्विश इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग टू कम टेक पोजिशन विद द पीपल ऑफ आर कंट्री ऑफ वॉट इज आफ्टर ऑल कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस फॉर पीस फॉर ह्यूमन डिग्निटी वो कह रहे हैं कि हम लोग वो कंट्री में जिस हमारी खुद की कंट्री में हम आउटलॉस थे आउटलॉस मतलब क्रिमिनल्स थे आज उसी uh, कंट्री से हम लोग एक होस्ट बन रहे हैं सारे वर्ल्ड के लीडर्स को जो यहाँ पर आए हैं वो थैंक यू कहता है वो सभी वर्ल्ड लीडर्स को और उन्हें कहता है कि तुम देखने हो कि आज के बाद कैसे एक, एक नई टोटल एक सोसाइटी हो रही है जिसमें सभी लोगों के लिए जस्टिस इक्वल है पीस इक्वल है और सबके लिए एक ह्यूमन डिग्निटी ह्यूमन डिग्निटी मतलब क्या कि सबके लिए एक प्राइड ऑफ फीलिंग सेम है ठीक है वी हैव एटलीस्ट एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन वी प्लेज आवर सेल्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी डेप्रिएशन सफरिंग जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन यानी वो कह रहा है कि हमें एक पोलिटिकल इमेंसिपेशन मतलब हमें <coughs> हमें जो रिस्ट्रिक्शंस हमारे कालों पे अलग रिस्ट्रिक्शंस थे और गोलों पे वो नहीं थे वो सब जो इनजस्टिस थे वो सब पॉलिटिकली हम लोग टोटली totally ख़त्म करते हैं आज सब लोग इक्वल ट्रीट किए जाएंगे ऐसे हम एक कंट्री बना रहे हैं और हम प्लेज करते हैं कि मतलब वो सब लीडर्स नेल्सन मंडेला के साथ दूसरे लीडर्स हैं वो प्लेज करते हैं कि पॉवर्टी डिस्क्रिमिनेशन और जो लोग की सफरिंग है वो सब हम लोग ख़त्म करेंगे ऐसे हम कंट्री को आगे बढ़ाएंगे नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल बी अगेन

ये कोई खत्म कर देगा ऐसा डायरेक्ट पेज नंबर नेक्स्ट पेज पे आ जाओ पेज नंबर नाइनटीन पे और फू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड और एज इन नाउ एज अ अटिकुलर ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिनप प्रसिजन एंड मिलिट्री फोर्स बट अ डेमोस्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू द डेमोक्रेसी अ न्यू गवर्नमेंट दैट हेड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड यानी वो कह रहे हैं कि ये सब शपथ विधि उसके बाद उन्होंने देखा कि सब जेट प्लेन हेलीकॉप्टर्स और जो फाइटर प्लेस ये ये सब एक formation में दिखा 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 यानी यानी वो वो सिर्फ military की strength military कितनी कितनी है नहीं भी कि होगी जो नई गवर्नमेंट बनी हुई है जिसके प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला है वो गवर्नमेंट के साथ वो कितने लॉयल है और कितने फेथफुल है उनसे <coughs>

मंडेला को सैल्यूट किया था वो कहते हैं कि कैसे दिन आ गए हैं थोड़े थोड़े-थोड़े टाइम पहले तो ये लोग जो ब्रिटिशर्स थे ब्रिटिशर्स के या तो फिर गोरे लोगों के कमांड पे हमें अरेस्ट भी कर कर चुके थे आज वही लोग हमें सलाम ठोक रहे हैं हम एज अ लीडर्स बन गए तो हमारे लिए सलाम ठोक रहे हैं और फिर आखिरी में क्या हुआ था कि इम्पाला जेट्स करके जो प्लेन्स थे वो पांच प्लेन पांच लाइन में गए और पीछे जो स्मोक छोड़ते गए वो पांच कलर के स्मोक छोड़ते कौन से पाँच कलर थे ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू और गोल्ड ये पाँच कलर के स्मोक क्यों छोड़ गए क्योंकि साउथ अफ्रीका का तुम फ्लैग देखो ना तो उसमें फाइव हॉरिजोंटल लाइन्स है वो फाइव हॉरिजोनटल लाइन्स है फाइव कलर्स की लाइन्स है ठीक है

वाइट लोग का जो नेशनल एंथम था वो डाइस स्टेम था और ब्लैक लोगों का जो नेशनल एंथम था वो निकोसी सीकेल आई अफ्रीका ये था लेकिन उस दिन क्या हुआ कि वाइट लोगों ने ब्लैक लोगों का एंथम गाया और ब्लैक लोगों ने व्हाइट लोगों का एंथम गाया मतलब वो ये बताना चाहते थे कि अब हम सब एक हो गए हैं तो वो कहता है कि ये किसी को यानी uh, सभी व्हाइट्स को ब्लैक के एंथम और ब्लैक्स को वाइट के एंथम के लिरिक्स इजीली वर्ड्स इजीली रिमेम्बर्ड नहीं थे लेकिन फ्यूचर में ही सब एक हो जाएंगे सब लिरिक्स विरूरिक्स सब सबको आ जाएंगे ऑन द डे ऑफ द इनाग्रेशन आई वॉज ओवरवेंड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री इन द फर्स्ट एकेड ऑफ़ द ट्वेंट सेंचुरी ऑफ यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोयर वॉर एंड बिफोर माई ओन बर्थ द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पेस्ट ऑफ द डिफरेंसिस एंड इरेक्टेड सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल्स ऑफ दर ओन लैंड यानी क्या होता कि उस जो ये इनोग्रेशन का दिन था ना उस उस दिन उसे हिस्ट्री भी याद आ रही थी यानी हिस्ट्री में क्या हुआ था कि एंग्लो बोयर वॉर हुआ था एंग्लो बोयर वॉर ब्रिटिशर्स और बाकी के जो गोरे लोग थे साउथ अफ्रीका के उन्होंने कालों पे वॉर किया था और वॉर ख़त्म होने के बाद वो गोरे जब जीत गए थे तो उन्होंने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया था जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करता था मतलब कालियों को जो ब्लैक्स थे वो ब्लैक्स को सेम <coughs> सेम राइट्स नहीं थी जो वाइट्स के राइट्स थे और अभी ये पूरा जो स्ट्रक्चर था वो बहुत ही इनह्यूमन मतलब वो लोगों के लिए बहुत ही डिस्क्रिमिनेट करना भेदभाव करने वाला सिस्टम था जिसके वजह से बहुत टॉर्चर और इनजस्टिस फेस करना पड़ा था ब्लैक्स को नाउ इन द लास्ट डेकेट ऑफ द ट्वेंटी सेंचुरी एंड माई ओन एट डेकेट एज अ मैन द सिस्टम हैड बीन ओवरटन फॉर एंड रिप्लेस बाय वन दैट रेकग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ दर स्किन यानी उसने कहा कि अब वो सिस्टम खत्म हो गया है और अब Uh, दस डेकेट्स के बाद यानी सौ साल बाद एक ऐसा सिस्टम आ रहा है कि जो सब लोगों को इक्वल ट्रीट करेगा इक्वल फ्रीडम देगा सबको ठीक है दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अन इमेजी मिलेगा सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंस ऑफ माई पीपल पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड आई फेल दैट डे दट आई हैवन सो मेनी अदर देस दट आई वोज सिंपल द सम ऑफ ऑल दोज एफ्रिकन पेटर्स वर्ट गॉन बिफोर मी देट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी आई वॉज पेंट दैट आई वॉज नॉट एल टू थैंक दम एंड दे वे आर नॉट एबल टू सी वॉट देर सेक्रीफाइस हैट वॉट यानी उसने कि आज वो दिन आ गया है कि वो इमेजिन कर पा रहा है कि इसके पहले जो लोगों ने फाइट किया था उसमें से कई लोग मर भी गए थे कई फ्रीडम फाइटर्स जैसे इंडिया में मरे थे वैसे साउथ अफ्रीका में फ्रीडम फाइटर्स कई लोग मर गए थे और उन सब के जो आइडियाज़ थे वो सब मिलके जो आ, हुआ था वही नेल्सन मंडेला ने फॉलो किया था अब वो सोच रहे कि उनकी लाइन खत्म हो गई थी लेकिन मेरे आगे एक अलग लाइन होगी जो ऐसे लीडर्स की होगी जो सबको इक्वल इम्पोर्टेंस इक्वल फ्रीडम और इक्वालिटी पे टोटली ध्यान देंगे और थोड़ा उन्हें दुख भी हो रहा था नेल्सन मंडेला को कि जो लोग मर गए हैं उन लोगों को वो थैंक यू नहीं कर पा रहे है, और जो लोग मर गए हैं उनके सेक्रीफाइसिस के वजह से आज उनको ये फ्रीडम मिला हुआ है इसलिए वो उन्हें उस दिन थोड़ा दुख भी हो The policy of apartheid created a deep and lasting woods in my country and my people. All of us spend many years, if not generation recovering from that profound hurt. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was it produced the Oliver Thambos, the Walter is the Fav chief Luthulis, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, and Robert Sobukwe's of our times. Men of such extraordinary. करेज विजडम एंड जर्नसिटी डेट दे लाइक मेनी नेवर बी नोन अगेन यानी वो कहता था कि जो पॉलिसी ऑफ व्यापार थी यानी मैंने कहा था कि एंग्लोर बोयर वॉर के बाद जो ऐसी एक पॉलिसीज और ऐसी गवर्नमेंट बनी थी कि जो कालों को इतना राइट्स नहीं देती थी जितना गोरों को दिया था तो उन ये ये चीज़ होने के वजह से उन उनके कंट्री को एक ऐसा गहरा गाँव पहुंचा था जिसके वो सालों ने काफ़ी जनरेशंस बीत गई थी उससे ऊपर आने के लिए लेकिन इसका एक फ़ायदा भी हुआ था कि ऐसे सब लीडर्स बॉर्न हुए थे इससे जो काफ़ी ब्रेव और थे जो सिस्टम के खिलाफ लड़ना जानते थे तो वो जो सब लीडर्स है उनके पिक्चर्स यहाँ पर दिए हुए ऑल ओवर ताम्बो और वो सब जो लीडर्स है वो उनके नाम तो यहाँ पर देख सकते हो ठीक है नेक्स्ट पेज देखो नेक्स्ट पेज की सेकेंड लाइन पर एफ इट रिक्वायर सच डेप्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट रेक्टर माई कंट्रीज रीज इन मिनरल्सन मंडेला कह रहे तुम्हारे साथ अगर इंडस्ट्रीज होगा तो ही तुम्हारी ब्रेवरी पता चलेगी और तुम्हारे साथ इंडस्ट्रीज हो रहा है तो ही ऐसे लीडर्स जन्म के आएंगे ऐसे लीडर्स उभर के आएंगे और वो, वो कह रहे हैं कि अफ्रीका में नेचुरल रिसोर्सेस काफी है वहां पर मेटल्स मतलब गोल्ड सिल्वर डायमंडी मिलती है लेकिन वो कह रहे थे कि ये जो हीरा जवाहर आते उससे ही बड़े हीरे जवाहर तो मेरे कंट्री के पब्लिक है मेरे कंट्री के पीपल है वो उनसे बड़े हीरे जवार आते हैं ठीक है इट इज़ फ्रॉम दिस कॉम्रेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज टाइम एंड टाइम अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव दर लाइफ फॉर एन आइडिया हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन यानी वो कहते हैं कि ये सब जो मतलब जो लोग मर गए थे पहले उनके जो दोस्त थे उनके वो उनके सेक्रीफाइस से ही इन्हें करेज मतलब बहादुरी मिलती है तो वो कहते हैं कि ऐसे लोग उन्हें बहुत पसंद थे कि जो अपने एक आइडिया के लिए अपनी जान गंवा चुके थे ऐसे लोगों को उन्होंने काफ़ी रिस्पेक्ट दिया था और वो कह रहे हैं कि उन्होंने देखा था कि काफ़ी लोगों ने टॉर्चर सहन करने के बाद भी बिल्कुल टूटे नहीं वो लोग बहादुरी से खड़े रहे उन्होंने उनके खिलाफ जो भी हो रहा था वो सब उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया उसको रिजेक्ट करके आज फिर उनको फ्रीडम मिला था ठीक है आई लर्न दट द कॉरेज वॉज नॉट द एबसेंस ऑफ फेयर बट द ट्रैम ऑर इट द ब्रेव इज नॉट वट ही डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर यानी वो कह रहे हैं कि बहादुरी का मतलब ये नहीं होता कि तुम डरो नहीं वो कह रहे कि बहादुरी का मतलब ये है कि तुम डर रहे हो तो उस डर डर के खिलाफ लड़ो और वो डर को काबू करो यही चीज़ नेल्सन मंडेला हमें कहना चाह रहे हैं नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन ऑफ कलर ऑफ इज स्कन और इज बैकग्राउंड और इज रिलीजन पीपल्स मज लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन टॉक टू लव और लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन एट दैन इट्स अपोजिट इवन इन द ग्रीमेस्ट ऑफ टाइम्स इन प्रिज़न वैन माई कॉम्रेज वू अवर लिमिट्स आई वुड सी अ ग्मर ऑफ हूमेट इन वन ऑफ द गार्ड्स पर जस्ट फॉर अ सेकेंड बट इट वॉज इनफू रीअ्योर मी टू कीप मी गोइंग माइ गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन भी हिटन बट नेवर एक्सटिंग यह इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है इसमें है ना बहुत ही यानी पर्सनल इमोशन शेयर किए हैं मंडल उन्होंने क्या कहा है कि लोग कोई गोरा छोटा बच्चा है वो कालो कोई कालो को हेट करने कोई व्हाइट कीड़ है वो ब्लैक्स को हेट नहीं करेगा उसे हेट करना सिखाया जाता है तो अगर किसी को हेट करना सिखा दिया जाए तो उसे लव करना भी सिखा सकता है लेकिन वो कहते हैं कि लव करना किसे सिखाना वो काफ़ी इजी होता है क्यों क्योंकि ह्यूमन आर्ट्स में ऑलरेडी लव ऐसा है कि उसे सिर्फ हमें बताना है हिट कर हिट सिखाना काफ़ी मुश्किल है और वो कहते हैं कि आ, कई बार क्या होता था कि उन जब नेल्सन मंडल और उनके फ्रेंड्स जब ये सिस्टम को फाइट कर रहे थे तो उन्हें जेल में डाल दिया था और जेल में उन पर जब टॉर्चर हो रहा था तो कोई ऐसा कार्ड उनके साथ कोई काइंडनेस दिखा दे छोटी सी काइंडनेस दिखा दे तो उन्हें इससे होप मिलता था कि नहीं अभी दुनिया में अभी भी अच्छा ही है हम अच्छाई के लिए लड़ेंगे ऐसा वो सोचते थे In a life, every man has twin obligation obligations to his family, to his parents, to his wife, to his and his children, as an obligation to his people, his community, his country. In a civil and human society, each man is able to fulfil those obligations according to his own inclinations and abilities. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfil both of those obligations. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. In South Africa, a man who tried to fulfil his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart a twilight existence of secre secrecy and rebellion i did not in the beginning choose to place my pe people above my family but in attempt to serve my people i found that i was prevented from fulfilling my obligations as a son a brother a father and a husband ye jo paragraph mein hai na isme उन्होंने बताया कि उन्हें क्या स्ट्रगल फेस कर रहे थे एज अ फैमिली पर्सन और एज अ कम्युनिटी पर्सन यानी वो कह रहे हैं कि दो ऑब्लिगेशन ऑब्लिगेशन मतलब ड्यूटीज़ दो ड्यूटीज़ होती है एक आदमी की अपने फैमिली का भरण पोषण करना और अपने कम्युनिटी के अपने कम्युनिटी और अपने कंट्री को हेल्प करना ये दो काम होते हैं तो उन्होंने कहा कि अगर एक कोई आदमी अगर अपने कम्युनिटी और अपने पीपल अपने कंट्री के पीपल को ऊपर रखे तो एज अ फैमिली उसे जो करना है साउथ अफ्रीका में उस वक्त ऐसा था कि या तो फैमिली का भरण पोषण करे या तो कम्युनिटी के साथ जो नाइंसाफ हो रहा है उसके खिलाफ लड़े तो कह रहे हैं कि मैं नाइंसाफ के खिलाफ लड़ने का अगर मैं चूज़ करूँ तो मैं फैमिली लिए जो खाना पीना इकट्ठा करना है वो सब चीजें मैं अगर नहीं कर पाऊंगा उन्होंने सोचा था तो उन्होंने उन, चॉइस ये थी कि मैं कंट्री के लिए और मेरे जो ब्लैक पीपल है उनके साथ जो इनजस्टिस हो रहा है उसके खिलाफ लड़ूंगा और वो वो लड़ने गए तो उसमें उनकी फैमिली की तरफ जो ड्यूटीज थी वो नहीं निभा पाए आई वॉज नॉट बॉर्न विथ हंगर टू बी फ्री आई वॉज बॉर्न टू फ्री फ्री इन एवरी वे दैट आई वुड नो फ्री टू रन इन द दील्ड इन फील्ड नियर माई मदर्स फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम द ट्रेंड थ्रू माई विलेज फ्री टू रोस्ट मिलीजन

आ, आगे कुछ फ्रीडम था नहीं मेरे लिए इट वॉज ओनली <laughs> it was only when I began to understand that my boyhood freedom was an illusion when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me that I began to hunger for it at first as a student I wanted freedom only for myself the transitory freedoms of being able to stay out at night read what I pleased and go where I choose later as a young man in Johannesburg I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential of earning my keep of marrying and having a family the freedom not to be obstructed in a lawful life but all these are freedom, what is freedom? अगर कोई गोरा आदमी कोई काले आदमी पर रिस्ट्रिक्शन डाल रहा है कि तुम एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा सकते तो ये ये फ्रीडम नहीं हुआ ये रेस्ट्रिक्शन हो गया तो ये सब रेस्ट उन्हें लिफ्ट करना था वो कह रहे थे कि जब ऐसे स्टूडेंट थे तो वो देर रात तक नहीं घूम सकते थे क्यों क्योंकि ब्लैक्स पे ऐसा रेस्ट्रिक्शन था कि रात को वो लोग पार्टी वार्टी नहीं कर सकते और वो लोग फिर जब जब नैलसन मंडेला बड़े हुए थे तो उन्हें ऐसा था कि मैं अपना पोटेंशियल अचीव नहीं कर सकता मुझे जिस फील्ड में आगे जाना है वहाँ पर मैं नहीं जा सकता था क्योंकि कॉलेज में या फिर ऐसी सब जगह पहली सीट्स जो मिल जाती थी वो गोरों को मिल जाती थी जिसके लिए जो ब्लैक्स थे ब्लैक पब्लिक को इतना ज्यादा फ्रीडम नहीं था तो उन्हें पता चला कि हमारे पास तो कोई फ्रीडम ही नहीं है ऐसा बट देन स्लोली आई सो दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वे नॉट फ्री आई सो दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कटेल बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक लाइक आई डिड दैट इज वैन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड दैट इज वन माई हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव विद देयर लाइव विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ

अपना घर छोड़ देना पड़ा फिर वो क्रिमिनल घोषित कर दिए गए ये सब चीज़ें उनके साथ हुई ये सब एग्जांपल्स दिए कि ये सब चीज़ें उनके साथ हुई कि जिसके वजह से क्या हुआ कि जो फाइट लड़ने गए उसमें से दूसरे सब ड्यूटीज उनकी छूटती गई समझ में आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट वन बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड वैन आई न्यू माई पीपल वे नॉट फ्री यानी वो कहते हैं कि uh, मैं एक ऐसा कोई सेल्फ सेक्रीफाइसिंग जैसा मैन नहीं था लेकिन मैंने देखा कि फ्रीडम जो गोरों को मिल रहा है वो हम लोग को नहीं मिल रहा है मेरे मुझे भी नहीं मिल रहा है ब्लैक लोगों को भी नहीं मिल रहा है ये सब चीज़ नहीं मिल रहा है फ्रीडम इज़ इंडिविजुअल द चेंज ऑन एनी ऑन ऑन माई पीपल वर द चेंज ऑफ ऑफ ऑल द चेंज ऑफ ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेंज मी मैंने उसने कहा कि फ्रीडम इंडिविजुअल अगर सपोज मैं मुझे भी कोई फ्रीडम मिल रहा है और मेरे लोगों को सेम मेरे जैसा फ्रीडम नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब टोटली फ्री है मैं मैं सबके बारे में सोचूंगा सब लोग हम सब एक है हमें जो फ्रीडम मिलना चाहिए वो सबको मिलना

मैं फ्री नहीं हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो मेरे पर अत्याचार कर रहा है वो भी टोटली फ्री है क्योंकि वो कैसा वो हिटेड सा बंदा हुआ है उसके वो उसे यानी उसे नफरत करनी ही है हमें वो ए, वो ऐसा हेट से बंधा हुआ है कि वो हेट से वो बाहर नहीं निकल सकता है तो वो सोचता है कि अगर फ्रीडम मिलना चाहिए तो सिर्फ मुझे ही नहीं उसे भी फ्रीडम मिलना चाहिए यानी मैं फ्री फ्री हो जाऊँ सपोज़ मैं ये सब ऐसे जो लॉज है वो ये ख़त्म कर दूँ लेकिन साथ में जो गोरे लोगों को काले के लिए जो इन जो हेट या जो डोमिनेंस है ये सब फीलिंग्स है ये सब भी खत्म करनी है यानी एंड में उन्होंने सोचा कि सभी का, काले गोरों को सभी को मिलके एक साथ रहना चाहिए किसी को एक दूसरे के ऊपर कोई टाइप के गलत फीलिंग्स नहीं होने चाहिए यही चीज थी कि ये, ये, ये लास्ट पैराग्राफ मैंने आपको क्यों समझा क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्यों नेल्सन वंडेला सोचते थे कि जो ऑपरेस कर रहा है यानी जो डोमिनेट कर रहा है वो भी फ्री नहीं है ऐसा क्यों है ठीक है तो हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है हम लोग फोर्थ चैप्टर देखेंगे फोर्थ चैप्टर में सॉरी हाँ तो ये जो, जो सेकेंड चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ हम थर्ड चैप्टर देखेंगे तो, ये चैप्टर में भी आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर्स है जो ओरल कॉम्पिनेशन चेक है और थिंकिंग अबाउट द टैक्स है वो क्वेश्चन आंसर सब आप लिख लेना सचिन सर को होमवर्क सबमिट कर देना ठीक है